तो आ गए भाई। और ये जो आज प्लेयर है ना, इसने इंडिया की सही में, और इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, और जिसका नाम है बाबर आजम। मैं सही में बता रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान का आज तक कोई इतना बैट्समैन इतना कोई बढ़िया नहीं लगा जितना ये बंदा लगा। इसको देखने में ना मज़ा ही आता है, कि जो कवर ड्राइव मारता है और जो उसका पंच है ना, भूख मर जाती है, मतलब इतना मस्त। तो आज मैं बताऊंगा कि बाबर आजम के कुछ सीक्रेट, कि कैसे बाबर आजम इतना जल्दी ग्रो हो रहे हैं, और क्या क्या उनकी वर्क एथिक है, क्या क्या उनका माइंड सेट है, और कैसा वो सोचते हैं जिसकी वजह से वो इतने अच्छे लेवल पे, और उनकी कंपैरिजन अभी से ही विराट कोहली के साथ होती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को भाई स्टार्ट ही कर देते हैं। और क्या सकते, सबसे पहला पॉइंट सेल्फ एनालिसिस। बाबर आजम बोलते हैं कि वो हमेशा से अपनी बैटिंग का सेल्फ एनालिसिस करते थे। आप किसी ट्रेनर पे जा रहे हो, किसी कोच पे जा रहे हो, वो आपका ट्रेनिंग है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी बैटिंग को एनालाइज कर रहा है, वो तो सही है। बट बाबर आजम में ये चीज़ है कि वो अपनी ट्रेनिंग को खुद ही एनालाइज करते हैं, वो अपने गेम के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे अपने गेम के बारे में सोचना, उसको इम्प्रूव करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो हर टाइम या मोस्ट ऑफ टाइम अपने वो अपने गेम के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कैसे उसको इम्प्रूव करूँ, क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं, और कैसे वो आगे बढ़ सकते, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। और ये जो चीज होती है सेल्फ एनालिसिस, ये आपको हर एक ग्रेट प्लेयर में मिलेगी। तो अगर आप अभी अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हो, तो आज ही भाई ये वीडियो देख के हमें थैंक यू कर दो, और वो चीज स्टार्ट भी कर दो। दूसरी चीज, लर्निंग फ्रॉम ग्रेट्स। बाबर आजम खुद बोलते हैं कि वो हमेशा ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो वर्ल्ड में बेस्ट है। जैसे उन्होंने बोला था कि मैं हमेशा अपनी जो भी एडवाइसेज हैं, वो अपनी एडवाइसेज भी उन लोगों से पूछते हैं जो बहुत अच्छे हैं अपनी फील्ड में। जैसे अगर कोई बैटिंग की एडवाइस है, तो वो बोलते हैं कि मैं जो भी विराट कोहली है, जो भी ब्रायन लारा है, मैं इनसे अपनी एडवाइसेज को लेना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे बंदे से एडवाइसेज लोगे कैसे भी, मतलब तो वो आपको कुछ भी एडवाइस दे देगा और आपका सारा गेम बिगड़ जाएगा। और इंडिया में बेसिकली ये होता है, लोग मतलब जो बच्चे होते हैं वो मतलब हर किसी, मतलब मेरे से, मैं बैट्समैन हूँ, विकेट कीपर हूँ, तो मेरे से भी वो बॉलिंग के, फास्ट बॉलिंग के वो पूछते, तो मैं उनको बोलता भाई मैं फास्ट बॉलर नहीं हूँ। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस बंदे से आप पूछ रहे हो वो अपनी फील्ड में अच्छा है नहीं। अब वो लोग मेरे से पूछ रहे हो, मैं बता नहीं रहा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं कर रहा, मैं तो जो ग्रेट प्लेयर्स की लर्निंग है, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वो आपको बता रहा हूँ। तो वही चीज़ है। तो अगर आप भी दूसरों से सीखते हैं और अपने ग्रेट से सीखते हैं, तो अपने जो बेस्ट आइडल हैं क्रिकेटर्स, वो उनका नाम अभी कमेंट्स में जाके लिखे, और एक का तो होना ही चाहिए, दो भी लिख सकते हैं, चले समझो अपने भाई का ही कमेंट सेक्शन है। तीसरी चीज़, बाबर आजम बोलते हैं कि मैं कभी भी अपनी बैटिंग के बाद सेटिस्फाइड नहीं होता, और ये चीज़ आपको हर एक ग्रेटेस्ट प्लेयर में मिलेगी। दे विल नेवर बी गेट सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस, चाहे वो अच्छा भी कर रहे हैं, चाहे वो बेकार भी कर रहे हैं। बाबर आजम बोलते हैं कि मैं हमेशा से अपने के लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करता गया हूँ, जो मुझे हमेशा पुश करते रहे हूँ। क्योंकि जिस दिन आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो जाओगे कि भाई आज तो बढ़िया करा, तो मज़े आ गया, अब तो बस इसके बाद कुछ नहीं है, तो उसी दिन आपका डिक्लाइन चालू हो जाएगा, उसी दिन आप नीचे होने जाओगे। तो ऐसे हमारे साथ बहुत होता है कि हम कभी कभार कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, 100 150 मान लेते हैं, तो अपने आपको हवा में ले जाते हैं कि भाई अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, और वहीं से आप देखना कि आपका डिक्लाइन चालू हो जाए, फिर अगले मैच में रन इतने बनते नहीं है।